नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, ड्यू एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पिछले 2.5 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ एज अ साइकियाट्रिस्ट। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, रामदास पेट अकोला में, जो महाराष्ट्र में। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्लीप इंसोमनिया मतलब नींद आना उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज मैं वही वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा। आज मैं आपको इंसोमनिया मतलब नींद आने की जो ट्रीटमेंट है वो आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, स्लीपिंग पिल्स है, जो अंडर सुपरवाइज्ड अगर आप ले, डॉक्टर के हिसाब से ले, तो आपको अच्छी गहरी नींद आ सकती है। हालांकि हमें यह देखना है कि ये जो नींद की दवाइयां है इसकी हमें आदत लग सकती है, इसलिए हमें दवाइयां कुछ ही हफ्तों तक, कुछ ही महीनों तक लेनी है। दवाई की आदत लगनी नहीं चाहिए इसलिए हमने दवाई के जो पीरियड है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन वो आप खाली डॉक्टर से पूछ के ही कर सकते हैं। दवाइयों के व्यतिरिक्त ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हमको अच्छी से नींद आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो मैं लोगों को बताता हूँ इंसोमनिया के, वो है रिलैक्सेशन एंड हिप्नोसिस, मतलब सम्मोहन करना और पूरी बॉडी और माइंड रिलैक्स करना। होता क्या है, नींद आने की वजह होती है स्ट्रेस या टेंशन। अगर वो टेंशन और जो स्ट्रेस है वो हम निकाल देते हैं फिजिकली और मेंटली, तो हमें अच्छी तरीके से नींद आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताई हिप्नोसिस और सम्मोहन एंड रिलैक्सेशन वो है। इसमें होता क्या है, रात के जब 10-10:30 बजे बज जाते हैं और हमारी नींद का वक्त हो जाता है, तो हमने करना क्या है, हमने बिस्तर पर लेटना है, आंखें बंद करनी है और रिलैक्स होके पूरी बॉडी रिलैक्स 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 करनी है। और साथ ही में ये कंटिन्यूअसली सोचना है कि मुझे नींद आ रही है, मैं आराम से सो रहा हूँ, रिलैक्स होके सो रहा हूँ, मुझे गहरी नींद आ रही है, मेरे जो दिमाग के विचार है वो धीरे 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 कम हो रहे हैं, मैं पूरा पूरा रिलैक्स हो चुका हूँ, मेरे दिमाग के विचार कम 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 होते जा रहे हैं। अगर ऐसे आपने बार बार खुद को इंस्ट्रक्शंस दिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए, तो आपको डेफिनेटली इंसोमनिया से मुक्ति मिल सकती है। जब हम सम्मोहन करते हैं तो हमने पूरी बॉडी और माइंड रिलैक्स रखनी है और जो विचार है अगर वो आते हैं तो उसको आने देना है, और अगर विचार कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो उसे निकालने की कोशिश करनी नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमने खुद को रिलैक्स होने की सजेशंस देने हैं। तो सबसे पहला था हिप्नोसिस, सेकेंड है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं। स्लीप हाइजीन मतलब ऐसे कुछ तरीके जिससे हमें अच्छी से गहरी नींद आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इंसोमनिया में समझनी वो है वो ये है कि हमें नींद के पीछे नहीं भागना है। जितना हम नींद के पीछे भागेंगे उतनी नींद दूर दूर जाएगी। अगर हम शांत होके अगर बैठेंगे तो हमें अच्छी से नींद आ सकती है। जैसे मैंने बताया कि स्लीप हाइजीन इंसोमनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है खाना। खाना अगर हम रेगुलर रखते हैं, खाना और पीना, मतलब अगर हम रेगुलर खाना और जो हमारा सब्सटेंस है मतलब अल्कोहल, वो अगर अवॉइड करते हैं तो हमें अच्छी से नींद आ सकती है। जब हम बिस्तर पर जाते हैं उसके पहले कोई भी विगरस एक्सरसाइज या कोई भी शोर शराबा चिल्लाने वाला सीरियल टीवी पे हमें देखना नहीं है, हमें रिलैक्स रहना है। नींद के पहले 1/2 से 1 घंटा हमें कंप्लीटली रिलैक्स होकर बिस्तर पे जाना है। हम बिस्तर पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो जिससे हमारा जो मानसिक अवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। स्लीप हाइजीन में इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें जो नींद का समय है और उठने का जो समय है वो कंप्लीटली फिक्स रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज 11 बजे सोया हूं तो कल मैं 2 बजे सोऊंगा, परसों मैं 3 बजे सोऊंगा, ऐसा करना नहीं है। हमने एक फिक्स्ड समय रखना है और उसी समय पे हमने सोना है। अगर हमने फिक्स समय रखा और हमें नींद नहीं भी आई और हम फिक्स्ड समय रख रहे हैं तो हमें अच्छी से कुछ दिनों बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर हम लेटे हैं और हमें अगर नींद नहीं भी आ रही है तो हमने वापस उठ के एक्टिविटीज शुरू नहीं करनी है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, वो लेटते हैं फिर आराम रिलैक्स करते हैं लेकिन फिर उन्हें कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चक्र शुरू हो जाता है और फिर वो उठ के वापस एक्टिविटी चालू कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ पेशेंट्स को कि ये अवॉइड करना है। अगर हम बिस्तर पे सोए हैं और हमारे दिमाग में कुछ विचार भी आ रहे हैं तो हमने उस पर एक्शन नहीं लेनी है। अगर हम उस पर एक्शन लेते हैं तो हमारा जो मोमेंटम है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमने बिस्तर पे एक बार हम सो गए उसके बाद 10 बार उठना नहीं है। हमारे जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, कंडीशन है, वो नींद के लिए कंडीसिव चाहिए। शोर शराबा हो रहा है, हमारे आजू बाजू लोग फोन पे बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या कोई इनकम्प्लीशन है दिमाग में, कुछ चीज बोलनी है लेकिन मैं छुपा रहा हूं, कुछ काम अधूरा है लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, ऐसे वक्त में, ऐसे सिचुएशन में भी हमें नींद आती नहीं है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्लीप हाइजीन्स है, अगर आप उसे रेगुलरली फॉलो करते हैं और साथ में डॉक्टर की अगर सलाह लेते हैं, साइकेट्रिस्ट को अगर मिलते हैं, तो आप डेफिनेटली इससे मुक्ति पा सकते हैं। ये इंसोमनिया का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी आगे का वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।